नमस्कार साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ बताया था अलग से कि भाई आपका भरण पोषण में आप बेरोजगार हो जाते हैं तो आपको किस तरह से कोर्ट से रिलीफ मिलने की उम्मीद होती है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई कुछ अच्छे अधिकार आपको भी मिले हैं कोर्ट की तरफ से। जी हाँ, क्योंकि कोर्ट कानून फर्क नहीं मानता भाई, ठीक है, कानून सबके लिए बराबर होता है। तो यहाँ हम बात करेंगे कि मान लीजिए आप पति पत्नी की शादी इंडिया में हुई थी, ठीक है, और आप यूएई दुबई में रह रहे हैं काफी टाइम से, और कुछ कुछ भी एक्स वाई जेड रीजन होने की वजह से आपका आपसी सहमति से आपका दुबई के पर्सनल स्टेट्स कोर्ट्स में आपका आपसी सहमति से तलाक हो चुका है। जी हाँ साथियों, और उसमें आपको ये बताया गया, आपको बच्चे की कस्टडी बता दूं 100% आपको पता है भैया, कहीं ना कहीं 90% मदर को ही मिलती है, तो आपके बच्चे की कस्टडी उनकी आपकी भूतपूर्व वाइफ को मिल गई, आपके एक बच्चा था, ठीक है। उसमें आपको कंडीशन ये रखी गई कि भाई आपको उनको जब तक बच्चा वयस्क होके जो 21 साल का नहीं हो जाता तब तक आपको उनको पर मंथ अभी की स्टार्टिंग में 3,000 दुबई दराम, बच्चा छोटा है आपका, 3,000 दुबई दराम मंथली उसको देना होगा बच्चे को, और उसकी जगह आपको सप्ते में एक बार 1 घंटे के लिए आप अपने बच्चे से मिल सकते हैं। जी हाँ, ये कोर्ट की तरफ से आपके बीच में फाइनल डिसीजन हो गया और आप उसमें एग्री हो गए कि भाई ठीक है, सप्ते में एक दिन में 1 घंटे मिलना है, महीने की 3,000 दुबई दराम आपको उसको मंथली पारिवारिक पोषण जिनको बोल सकते हैं उनको वो पारिवारिक भत्ता देना होता है। आप रेगुलर चल रहा है आपका, ठीक है, अचानक से आपकी वाइफ इंडिया आ जाती है या फिर और भी दूसरी कंट्री, आप जिस कंट्री से भी आप बिलोंग करते हैं वहां वो चले जाते हैं, और जब वो वापस दुबई जाती है तो वो बच्चे को अपनी कंट्री छोड़ के चली जाती है, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान, जहाँ की भी वो है, बच्चे को साथ लेके दुबई नहीं जाती है। जब आपको पता लगता है कि आपकी जो भूतपूर्व पत्नी है वो अकेली वापस आई है, बच्चे को साथ लेके नहीं आई, जी हाँ, तो उस दौरान आप क्या सोचोगे, आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आएंगे, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखें भाई, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि कल कंट्री से रिलेटेड हर रोज नई अपडेट मिलती रहे। बात तो मैं बता दूं कि चाहे बच्चे की कस्टडी मदर के पास हो लेकिन दुबई में अभिभावक माता फादर को माना जाता है। जी हाँ साथियों, फर्स्ट प्रायोरिटी यानी फादर को, का मतलब फादर की जिम्मेदारी होती है वो बच्चों का पालन पोषण करके उनको सक्सेस करने की उनकी जिम्मेदारी होती है जब तक वो कमाने के लायक नहीं हो जाते। जी हाँ, फर्स्ट बात ये। दूसरी बात, आपको ये लगता है कि आपकी पत्नी अपने बच्चे को लेके नहीं आई, आप किससे मिलोगे, क्योंकि आपकी तो जो कंडीशन हुई थी कोर्ट के हिसाब से उसमें तो ये था कि भाई बच्चा यहाँ रहेगा, सप्ते में एक बार 1 घंटे के लिए आपको मिलना होता है और आपको 3,000 पर मंथ उसको देना होता है, आपको उसको पारिवारिक पोषण के तौर पे जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, परवरिश पोषण के तौर पे, तो उसमें आपका बच्चा यहाँ पे नहीं है तो आप क्या सोचोगे। पहली बात तो ये, आपके पास दो अल्टरनेट होंगे। पहला अल्टरनेट, आप अपनी पत्नी से बात कर सकते हैं, भूतपूर्व जो आपकी पत्नी है उससे आप बात कर सकते हैं कि बच्चा कहाँ है, बच्चे को आप मंगवाइए या बच्चे को मैं मंगवाता हूँ, क्योंकि आप उन बच्चे को, आपका अधिकार है कि आप वहां पे मिल सकते हो, ये आपका डिवोर्स अग्रीमेंट हुआ था उसमें ये बातें साफ साफ लिखी गई थी, ठीक है। अगर आपकी पत्नी मना करती है, नानुकर करती है या फिर कोई भी बहाने बनाती है कि बच्चे को वो यहाँ दुबई में नहीं लाना चाहती, तो फिर आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि आप उसी कोर्ट में एक वकील के माध्यम से वो कोर्ट में एक एप्लीकेशन आप दायर कर सकते हैं अपनी पत्नी के खिलाफ में कि भाई हमारी ये शर्त हुई थी, बच्चे को मैं सप्ते में एक बार 1 घंटे के लिए मिलना था लेकिन ये बच्चा इंडिया में या पाकिस्तान में जाकर भी है वहीं पे छोड़ के आ गई तो मैं कैसे मिलूंगा। तो 100% आपके पक्ष में ये फैसला आएगा, कोर्ट जो भी फैसला देगा वो आपको मानना होगा। इसमें सीधा सीधा ये और आरोप बनता है कि वे पत्नी जानबूझ के बच्चे को नहीं लाना चाहती, तो उसके खिलाफ आप शिकायत दे सकते हैं, चाहे यहाँ पे पत्नी की बात हो या पति की बात हो, दोनों एक दूसरे के खिलाफ अगर उनका समझौता सेटिंग नहीं हो पाती है तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ में एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो यहाँ तो हम बात कर रहे हैं फादर की तरफ से, तो फादर बाकायदा अपनी भूतपूर्व पत्नी है उनके खिलाफ में शिकायत दर्ज करा सकते हैं, पर्सनल स्टेट्स कोर्ट में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दिए जाने वाली बात यह है कि हर इंसान की यहाँ पे जिम्मेदारी बन जाती है कि जो कोर्ट ने फैसला दिया है उसको मानना पड़ेगा, चाहे इधर उनकी पत्नी हो चाहे उनका पति हो, दोनों को ध्यान में रखते हुए फैसला फिर कोर्ट सुनाती है, और कोर्ट इसमें 100% पति के पक्ष में ही फैसला आने वाला है। बस ये छोटी सी जानकारी आपको देनी थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।